इलायची एक और काम करती है, बड़ी इलायची के जो दाने हैं उसको पाउडर करके यदि आप अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन की छाल के अंदर थोड़ी सी इलायची डाल करके उबाल करके यदि प्रातः सायं आप पीते हैं तो आपको मिलेगी हृदय रोग से मुक्ति। एंजाइना पेन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए यह इलायची बहुत रामबाण है। और जिसको किसी भी तरह से कोई भी सर्दी जुकाम कफ की शिकायत हो उसके लिए भी तुलसी के पत्ते, लौंग और बड़ी इलायची को कूट करके आप पका करके उसको पीते हैं काढ़ा बना करके, तो वह भी बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यह भूख को बढ़ाने के साथ साथ में यह सर्दी जुकाम कफ रूपी जितने भी जो विकार हैं उसको वह ठीक करती है। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको मुंह में ज़्यादा लार बनते हो, बार बार लाला श्राव होता हो, उसके लिए भी यह इलायची बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। इलायची इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको तो आपको भूख को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए, और आप इसका प्रयोग करिए अपने हृदय रोगों के लिए। यह एक इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, इससे आपके शरीर में सुगंधि भी आने लगती है जिस तरह से, और जिनको पेट में अफारा हो, जो बार बार जिनको लैट्रिन जाने की शिकायत होती हो, बेल की चूर्ण में सूखा हुआ जो बेल है उसका पाउडर कर लें। 10 ग्राम पाउडर में 1 ग्राम यदि सिर्फ इलायची का पाउडर मिला दें और उसको सुबह शाम आप सेवन करें तो इससे आपके पेट का अफारा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको नामर्दी या नपुंसकता है, यदि आप तुलसी के बीजों में तुलसी का बीज और बला के बीज और इलायची मिला करके यदि पाउडर बना करके प्रातः सायं करते हैं सेवन, उससे फिर आपको मिलेगी शरीर में पुष्टि, ताकत और प्रदर जैसे बीमारी से भी मुक्ति, और नपुंसकता जैसी जो नामर्दी जैसी भयानक कमजोरी से मुक्ति। तो आइए आज से हम इस इलायची का प्रयोग हम अपने सिर्फ मसालों में ही नहीं औषधि के रूप में भी करना प्रारंभ कर दें और अपने परिवार को, देश और समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोगी बने। इस इलायची के पौधे को आप चाहें तो अपने घर में भी इसको गमले में लगा सकते हैं, हालांकि यह एक हाइट पर, ऊंचाई पर ही यह फल देती है इलायची, क्योंकि हमने देखा सिक्किम वगैरह के क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ 4-5 हज़ार की जो हाइट है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये होती है। हालांकि अभी उत्तराखंड में भी, उत्तरकाशी के आसपास में भी इस तरह की खेती प्रारंभ हो चुकी है। तो घर में ही यह चाहे फल ना भी दें, ये पौधा आपको याद दिलाएगा मैं सिर्फ मसाला नहीं हूँ, मैं औषधीय पौधा भी हूँ। देखने के लिए सुंदर है, इसके फूल को आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लगता है। आजकल इसी तरह से इलायची लीली के नाम से इलायची के पौधों के जैसे ही पौधे में सिर्फ वो एक सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल के रूप में, उसको फूल के रूप में, बड़ी इलायची का भी इसी तरह से आपको बाज़ार में मिल जाएगा, आपको जो है यह नर्सरी में उपलब्ध हो जाएगा। आप लाएं और इस सुंदर पुष्प को अपने घर में स्थान दें जिससे आपको इलायची के गुणों से भरपूर आपको लाभ मिले और स्मृति में, स्मरण में रहे इलायची, इलायची बस जाए और खुशबू और सुगंधितमय आपका जीवन बन जाए। तो आइए इस इलायची को हम अपने घर में, हमने स्थान दिया हुआ है, किचन में स्थान दिया है, पर हमने सिर्फ मसाले के रूप में दिया है, सुगंधित और मिष्ठान को पौष्टिक बनाने के लिए दिया है, हम आज से औषधि के रूप में भी इसको